नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के दिन हम जानेंगे कि 8 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं या आज के दिन क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन हमारे भूपेन हजारिका जी का जन्म हुआ था 8 सितंबर 1926 को। भूपेन हजारिका जी विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनका सदिया असम में जन्म हुआ था और वे असमिया भाषा के कवि, लेखक, संगीतकार, गीतकार, यहाँ तक कि फिल्म निर्माता, निर्देशक भी रहे। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जो कुछ भी कहा जाए उनके लिए कम है। उनके सम्मान में हमारे ढोला सदिया सबसे भारत का लंबा पुल जो है उसका नामकरण बदल करके भूपेन हजारिका सेतु किया गया उनके सम्मान के लिए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया 2019 में भारत रत्न से। तो हमारे ऐसे थे भूपेन हजारिका जी, जिनको आज गूगल ने भी डूडल किया हुआ है। तो भूपेन हजारिका जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम आपको वीडियो बना करके पूरा डिटेल में पेश करेंगे। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको वो भी जानकारी मिलती रहेगी। आज के मोटिवेशनल टॉक में हम बात करेंगे कि हमें सफलता पाने के लिए प्रयास उसी तरह करना चाहिए जैसे कि बचपन में हम चलने के लिए प्रयास करते हैं और गिरते हैं फिर भी उठते हैं, गिरते हैं फिर भी उठते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। इसीलिए सफलता पाने के लिए भी हमें उसी तरीके का प्रयास करना चाहिए। तो मोटिवेशनल टॉक देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।